नमस्कार, युद्ध कर्ना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत कुंडा में, और हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं गुलशन यादव के भाई छविनाथ यादव जी। उनसे जानते हैं यहां के चुनाव के बारे में। जी, आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं तीसरी बार, क्या हैट्रिक लगाएंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कुंडा और जनपद प्रतापगढ़ वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिस तरीके से नगर पंचायत कुंडा में आम जनमानस का जन समर्थन मिल रहा है, कहीं में कहीं सीमा गुलशन यादव विकास के पहिया पे जो उन्होंने काम किया है, विकास के लिए जो उन्होंने काम किया है और जो उनका विकास अनवरत चलता रहा है, उस पर पुनः तीसरी बार कुंडा की देवतुल जनता जनार्दन उन्हें तिबारा आशीर्वाद देने जा रही है। तीसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं, किन किन मुद्दों के साथ इस बार हैं? हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, विकास, और कुंडा के लोगों का सम्मान बचा सकें, उनके सम्मान को आगे बढ़ा सकें, उनके मान सम्मान की रक्षा कर सकें, उनकी लड़ाई लड़ सकें, उनकी बात उठा सकें, उनकी दबी कुचली आवाज़ को हम आवाज़ बन के उनके लिए काम कर सकें। यही मेरी लड़ाई है, बाकी मेरी किसी से लड़ाई नहीं। हाँ, जीत चुके हैं और रह चुके हैं चेयरमैन एक बार सीमा यादव और एक बार गुलशन यादव। जो काम अधूरे थे, क्या इस बार उसको पूरा करें? क्या मन में है जो अभी अधूरे रह गए थे उसको जीतने के बाद करेंगे? जो कामें बचे हुए हैं वार्डों में, उन कामों को इस बार हम लोग जो है क्या नाम है प्राथमिकता पे जो है लेके उन कामों को काम करने का काम करेंगे। पिछले 10 सालों में अगर एक भी दो भी घर अगर बने होंगे तो आप देख लीजिएगा, जाके वहाँ इंटरलॉकिंग जरूर लगी होगी, नाली जरूर लगी हुई, पाइप लाइन बिछी होगी पानी के लिए। तमाम ऐसी अनेक सुविधाएँ कुंडा में रही जो कभी नहीं रही। जब मैं यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष बना तो बिजली के पोल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी, आज हाइड्रोलिक मशीन है। यहाँ टॉयलेट साफ़ करने के लिए जो है कंप्रेसर मशीन है, जो है 10 से ज़्यादा मैजिक है, जो है क्या नाम से ट्रैक्टर है, फॉगिंग मशीन है, तमाम ऐसे JCB है, जो है क्या नाम से मैंने 10 साल में इतना आधुनिक जो है नगर पंचायत कुंडा को बनाने का काम किया। उसी की देन है जो कुंडा नगर पंचायत की देवतुल जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ के तमाम बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता जो है क्या नाम से कुंडा की गलियों में गर्दा फाँकते हुए आपको दिख रहे हैं, और आए दिन कुंडा में जो है क्या नाम से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और तमाम तरीके के अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुंडा की जनता जो जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर आपने जनता के बीच गए, जनता से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? उसी की बदौलत हम कह रहे हैं कि तीसरी बार गुलशन सीमा यादव जो है क्या नाम से नगर पंचायत अध्यक्ष होने जा रही हैं। अगर मैं विकास ना किया होता, उनकी बात न रखे होते, उनकी लड़ाई न लड़े होते, तो शायद मुझसे कोई आज इस तरीके से जो है क्या नाम मेरे साथ खड़ा ना होता। आपको पुनः समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष का पद पर मनोनीत किया है, आपके सामने चेयरमैन का चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, किस रणनीति के तहत पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस गरीब के बेटे को तीसरी बार समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के उनकी झोली में डालने का काम करूँगा। ताकि नज़र इस बार चेयरमैन की कुर्सी जो कुंडा है, कुंडा पे नज़र है सभी की, जनता जो यहाँ पर देख रही है पल पल की खबर अपडेट, पूरी प्रदेश की या देश की कह लीजिए कि जनता की नज़र कुंडा पर है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, कुंडा नगरवासी और कुंडा विधानसभा और जनपद प्रतापगढ़ के लोग उनके बीच में मैं रहता हूँ, उनके दिलों पर राज करता हूँ। उसी की बदौलत विधानसभा चुनाव में मैं 70,000 वोट पाया, और तीसरी बार अगर नगर पंचायत में हम जीतने जा रहे हैं तो कुंडा नगर पंचायत देवतुल जनता जनार्दन और जो यहाँ के सर्व समाज, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे तेली गड़रिया अहिर चमार पासी कुनबी काछी, जिस भी जात समाज में हम जा रहे हैं, अगर उनका पैर छू के आशीर्वाद मांग रहे हैं तो कहीं में कहीं जन समर्थन और आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में जो चूक हुई है उस वह चूक दोबारा इस बार चेयरमैन के चुनाव में ना हो, क्या रणनीति आपने बनाई है? देखिए, पहली चीज़ तो आप हमसे कोई चूक नहीं हुई, अगर चूक हुई होती तो मुझे 70,000 वोट कुंडा जैसी धरती पे कैसे मिल जाता। दूसरी चीज़ आपने पूछा जो है कि वो चूक नहीं, मैं पूर्णतः जनता के बीच में जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, मुझे रोड पे टहलने का विश्वास नहीं है, मुझे लोगों के घर में जाके उनके आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है, उनके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है और उनके आशीर्वाद की ताकत की ज़रूरत है। यहाँ मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में उतर है, मगर मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, जो कि सदैव
जब जब गुलशन सीमा यादव लड़ी हैं तब तब खामोशी से अपना वोट दे के कुंडा नगर पंचायत के विकास के लिए और कुंडा नगर पंचायत के आम की तरक्की के लिए, अमन चैन के लिए सर्व समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बैस हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुआर हो, चाहे आहिर हो, चाहे कुनबी हो, चाहे पासी हो, चाहे जिस भी जात को आप नाम लेंगे, वो आपके इस भाई इस बेटे के साथ खड़ा है। तो क्या इस बार चुनाव गुलशन बनाम राजा भैया है कि उषा देवी बनाम सीमा यादव? यहाँ कोई बनाम नहीं है, यहाँ सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही है और जितनी खामोशी से कुंडा की जनता लड़ रही है मैं उसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जितनी खामोशी से 4 तारीख को अपने बूथ पर जाके सीमा गुलशन यादव कोर्ट करेगी, बड़े बड़े लोगों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। कुंडा का जब नाम आता है तो देश दुनिया में लोगों के जहन में हलचल सी मच जाती है। पहले एक यहाँ के जो विधायक है उनके नाम से कुंडा जाना जाता था, लेकिन दो भाइयों ने क्या कमाल किया, क्या खासियत यहाँ पर पैदा की लोगों के बीच में अपना। तो उनके बिना अगर कोई आता है यहाँ पर कुंडा में तो आपसे मिले बिना, आप दोनों भाइयों से मिले बिना यात्रा उनकी अधूरी रह जाती है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली चीज़ तो ये कुंडा जनमानस की बदौलत मुझे लोगों ने जाना, मुझे पहचाना। कुंडा के जो देवतुल जनता है और यहाँ के जो व्यापारी है, ब्राह्मण है, आज कि कोई भी जात समाज के हों, मुझे जात समाज के नाम से मुझे लोग नहीं जानते हैं, मुझे एक सेवक के नाम से जानते हैं। मैं कुंडा के लोगों की सेवा करना चाहता हूं और जो उन्होंने 10 साल उन्होंने मुझे समय दिया, मैंने उनका सेवा करने का काम किया, उसी की बदौलत आज कुंडा ही नहीं पूरे प्रदेश में आपके इस भाई को लोग प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए विरोधियों के बौखलाहट की एक असर रहता है। यादव के भाई छविनाथ यादव जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के, इन्होंने बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि हम कुंडा की जनता के विकास करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कर्नल समाचार, कुंडा प्रतापगढ़।